हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बीम। बीम होता क्या है ये बहुत ही कम लोगों को पता है। कुछ लोग बोलेंगे सर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। हाँ जी, आपने सही बोला, बीम इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। कई लोगों ने मेरे से बोला सर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैंने अभी अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, एमटेक किया है या बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, अब मुझे किस एरिया में, सिविल के किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या कोई नया करियर ग्रोथ सिविल इंजीनियरिंग में, कोई नया करियर पाथ है क्या। हाँ जी, तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बीम इज द बेस्ट प्रोफाइल फॉर नाउ और डेज। क्यों? क्योंकि बीम जो है ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि दुबई या यूएस के कई ढेर सारे बड़े बड़े सिटीज़ में सबसे ज़्यादा बीम पे फोकस कर रहे थे लोग। अभी इंडिया में बीम कम आया था, लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बीम बहुत सी कंपनियां यूज कर रही हैं। बीम इन द सेंस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के अंदर क्या क्या आता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट यू नो अबाउट बीम। तो बीम क्या होता है? बीम एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन का जीरो से स्टार्ट होता है और 100 तक का वर्क होता है, या अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ए टू जेड सारा का सारा काम कंप्लीट होता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं ए कहां से स्टार्ट होता है, मींस बीआईएम स्टार्ट कहां से होता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है रैबिट। रैबिट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर तीन पार्ट है। कौन कौन से? पहला है रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट आर्किटेक्चर और रैबिट एमईपी। रैबिट आर्किटेक्चर के अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग बना के अच्छे तरीके से उसका एक्सटीरियर व्यू तैयार करते हैं, उसके बाद उसका एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी भी निकालते हैं कि क्या कॉस्ट आएगा और कितना मटेरियल लगेगा। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं रैबिट स्ट्रक्चर की, तो इसे स्ट्रक्चरल पार्ट में ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अंदर कॉलम, बीम, स्लैब, इन सब चीज़ों को लगाया जाता है, इनके रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, इनमें लैपिंग, कवर, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम एमईपी की, अगर हम बात करें एमईपी की, तो एमईपी क्या होता है? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। आप बोलोगे सर क्या ये सिविल इंजीनियर कर सकता है? हाँ जी, सिविल इंजीनियर एमईपी का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रैबिट पूरा का पूरा इंक्लूड है, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर भी। केवल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कुछ देखिए प्लम्बिंग्स हैं, इन प्लम्बिंग्स को लगाने के लिए रैबिट एमईपी को यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं एमईपी में करियर बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भी बच्चे बहुत ही अच्छा करियर रैबिट एमईपी में बना सकते हैं। तो जो बीआईएम है, इस बीआईएम का पहला पड़ाव जो है वो कौन है? वो पहला पड़ाव आपका रैबिट है। रैबिट से आप स्टार्ट करिए। आप बोलेंगे सर रैबिट तो 3D का सॉफ्टवेयर है। हाँ जी, लेकिन रैबिट जो सॉफ्टवेयर है ये 3D के अलावा आपके 2D का भी काम कर देता है, मींस 2D ड्राफ्टिंग अपने आप करता है। जैसे आपने कुछ लोगों ने चलाया होगा, 2D में ड्रॉ करते हो तो 3D आपको अपने आप ये प्रोवाइड करके देता है। तो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम 2D कैसे सीखेंगे, सीधे आप रैबिट सीख लीजिए, उसमें आपको 2D भी सीखने को मिल जाएगा, 3D भी सीखने को मिल जाएगा, स्ट्रक्चर भी सीखने को मिल जाएगा, आर्किटेक्चर भी सीखने को मिल जाएगा, रैबिट एमईपी प्लम्बिंग्स मीन्स रैबिट की मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग भी आपको सीखने को मिल जाएगा, मीन्स रैबिट पूरा का पूरा एक पैकेज है। अब आपके दिमाग में आएगा क्या रैबिट के अलावा दूसरा कोई सॉफ्टवेयर 3D के लिए सर नहीं है? देखो भाई, 3D के लिए बहुत ही ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन अगर प्रमुख रूप से जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, अगर हम उनकी बात करें तो रैबिट एमईपी, गूगल स्केचअप और साथ ही साथ अपना आर्चिकेट। अब बोलो कि सर आर्चिकेट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों, आर्चिकेट जो सॉफ्टवेयर है ये रैबिट की तरह ही है, मीन्स रैबिट का ही दूसरा कॉपी अगर बोला जाए तो आर्चिकेट है। अगर आपको रैबिट आता है
तो मुश्किल से 2 से 3 दिन आप आर्चिकैट पे अगर प्रैक्टिस करते हो तो इजली आपका हाथ सेट हो जाएगा आर्चिकैट पे। गूगल स्केचअप की अगर हम बात करें तो गूगल स्केचअप इतना इजी सॉफ्टवेयर है कि अब तक के मेरे करियर में मुझे 13 सॉफ्टवेयर के नॉलेज हैं, इतना इजी सॉफ्टवेयर मैंने कोई भी नहीं देखा। गूगल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, इसको ट्रेस करना है, ट्रेस करके बहुत ही ईजी ढंग से कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको लाइट के लिए और कैमरे के लिए करना पड़ेगा, बट जैसे ही आप 1-1.5 प्रोजेक्ट करते हो, 2-3 प्रोजेक्ट कर लेते हो, आपका तुरंत ही हाथ सेट हो जाता है गूगल स्केचअप पे। तो दोस्तों BIM के अंदर सबसे पहला पड़ाव जो आता है वो 3D का आता है, जिसके लिए आपने क्या क्या सॉफ्टवेयर देखे, रेबिट जिसके तीनों पार्ट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और MEP, और दूसरा सॉफ्टवेयर देखा हमने स्केचअप, और तीसरा सॉफ्टवेयर हमने देखा आर्चिकैड। ये सारे सॉफ्टवेयर मिलके आपका 3D का काम कर देते हैं। चलिए अब BIM क्या करता है, BIM केवल 3D नहीं करता है, BIM प्लानिंग भी करता है, BIM एस्टिमेशन भी करता है, BIM एनर्जी सोर्स भी चेक करता है, BIM प्रोजेक्ट को भी चेक करता है। मीन्स कंस्ट्रक्शन का जो सारा वर्क, जितना सारा वर्क होता है ये सब कुछ BIM देखता है। BIM के अंदर आप RERA के एक्ट भी देख सकते हो। RERA आपको पता होना चाहिए, RERA क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं आपकी क्लाइंट की और साथ ही साथ जो बिल्डर है उनके बीच का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की, तो इंडिया में 19 स्टेट इसमें हैं जिनमें RERA का एक्ट फॉलो हो रहा है। RERA एक्चुअली जो RERA का एक्ट है ये किसके अंडर में आता है, तो दोस्तों ये 7D के अंडर में आता है, 7 डायमेंशनल के अंदर आता है क्या RERA एक्ट है। और भी ढेर सारे चेकिंग टूल्स हैं जो RERA के अंदर देखे जाते हैं, मीन्स बिल्डिंग बनाने के बाद क्या क्या कंडीशन हम चेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम 7D के अंदर डिस्कस करते हैं, 7D में देखते हैं। एक्चुअली बहुत कम लोग 7D यूज कर रहे हैं, बट मैं सभी बिल्डर को ही यही बोलना चाहूँगा, सभी इंजीनियर को भी यही बोलना चाहूँगा कि घर बनाने से पहले आप 7D के सारे चेकअप कर लीजिए। उससे क्या होता है कि आपके बहुत सी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको 7D के बारे में जानना है, आप बिल्डर है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, तो मैं आपसे डीप में 7D के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ BIM के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अब दोस्तों 3D आपको समझ आ गया, अब बात करते हैं 4D। 4D भी हमारे BIM के ही टर्म में आता है। 4D में हम लोग नेबिस वर्क नाम का सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा सॉलिबरी नाम का सॉफ्टवेयर होता है, वो भी बहुत बेहतरीन होता है, बट नेबिस वर्क जो है ये काफ़ी अच्छा है 4D के लिए और 5D के लिए। 4D में बेसिकली होता क्या है, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था। उस वीडियो हमने देखा था कि 4D में हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइम के साथ कितनी बिल्डिंग बनेगी वो 4D में हम लोग देखते हैं कि जनवरी में कितना, फरवरी में कितना। 5D में हम लोग देखते हैं कि इस हफ्ते में कितना कॉस्ट लगेगा, उस हफ्ते में कितना कॉस्ट लगेगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, सिविल इंजीनियरिंग में जो बिल्डिंग होती है उसका एक टाइम लिमिट में अगर वो बनता है तभी उसका कंस्ट्रक्शन आपका कॉस्ट आप रिड्यूस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर बिल्डिंग को 10 दिन में या 100 दिन में बनानी है तो उसका कॉस्ट दूसरा होगा, उसका कॉस्ट ज़्यादा आएगा 10 दिन में। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी काम आपको करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिक्सर्स यूज करने पड़ेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलेटर यूज करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं बिल्डिंग को 100 साल में बनाने के लिए तो भी बहुत ही ज़्यादा वो आपको टाइम लेगा और 100 साल में भी आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। मीन्स बिल्डिंग को न ज़्यादा टाइम चाहिए न बहुत ही कम टाइम चाहिए, बिल्डिंग को एक यूनिफॉर्म टाइम चाहिए जिसके अंदर में आप अगर कंस्ट्रक्शन करते हो तो बहुत ही ईजी ढंग से आप पैसे भी बचा सकते हो। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम कोई भी बिल्डिंग, अगर आप खुद भी कल एक एंटरप्रेन्योर बनते हो दोस्तों, तो अगर आप खुद का बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप BIM पे जरूर फोकस करना, सारी एनालिसिस करवा लेना, सारा का सारा मॉडल देख लो, कॉस्ट देख लो, ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद ही आप बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करना तो ज़्यादा अच्छा होगा। कई लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि हमने 6D को इलेबरेट नहीं किया। दोस्तों 6D में क्या होता है, 6D में हम लोग एक्टिव और पैसिव लाइट्स के बारे में देखते हैं, एनर्जी सोर्स। एक्टिव लाइट क्या होती है, एक्टिव लाइट मींस जो आप लोग अभी देख रहे हो मेरे अगल बगल लगे हैं ये सारे जो बल्ब वगैरह हैं ये सब क्या है, एक्टिव लाइट है। बट पैसिव लाइट क्या होता है, जो ऊपर वाला देता है, मींस गॉड के थ्रू जो आता है।
मीन्स आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसा व्यू दिखेगा आपका, ये सारी चीज़ें हम लोग 60 में चेक करते हैं। उसके बाद 70 तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये BIM जो है इसमें सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा आप प्लानिंग कर सकते हो कि अभी मुझे लेबर को कितना देना है, अभी मुझे मटेरियल के लिए कितना कॉस्ट देना है, ये सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो नई इंडस्ट्री के बारे में आप बता रहे हैं इसमें जॉब कैसे लगेगी। हाँ, ये भी बहुत ही अहम सवाल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप इस समय साइट इंजीनियरिंग का जॉब कर रहे होगे दोस्तों, तो साइट इंजीनियर से आप BIM की ट्रेवलिंग कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए पूरा मॉड्यूल सीखोगे अगर आप, तभी आप जाके अच्छे से सक्सेस हो। पूरा मॉड्यूल की इन द सेंस कम से कम आपको रेविड आना चाहिए और नेविस वर्क आना चाहिए जो कि बेसिक है, और ऑटो कैड आना चाहिए। इनको अगर ये आपको आते हैं तो ये आपका एक पैकेज हो गया। इसमें आप अगर इतना आपको आ गया तो आप किसी भी कंपनी में जाके बोल सकते हैं कि मैं BIM का एक्सपर्ट हूँ। तो जैसे आप BIM का एक्सपर्ट बोलेंगे खुद को, लोग तुरंत ही समझ जाएंगे इस बंदे को कंस्ट्रक्शन का काफ़ी नॉलेज है। आप कैसे बोलोगे खुद को एक्सपर्ट? तो उसके लिए आप क्या करो, ढेर सारे मॉडल रैपिड पे बना लो या स्केचअप पे बना लो, जिस पे भी आपका हाथ सेट है उस सॉफ्टवेयर पे 3D मॉडल तैयार कर लो और उसका वीडियो पोर्टफोलियो बना लो। अब आप बोलोगे सर वीडियो पोर्टफोलियो क्या होता है? दोस्तों आज के टाइम में लोग पेपर पे पोर्टफोलियो बना रहे हैं, मीन्स लोग अपना खुद का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी टाइम बदल रहा है। आपको वीडियो पोर्टफोलियो तैयार करके रखना चाहिए। आप नॉर्मल जो पेपर शीट पे आप पोर्टफोलियो फोटो वोटो वगैरह जो रेंडर करके रखते हो वो तो बहुत ही अच्छा है, उसके साथ ही साथ वीडियो पोर्टफोलियो में क्या होगा कि आप ढेर सारे वॉक थ्रू बनाओ और वॉक थ्रू बना के उसको अपने पेन ड्राइव में सेव करके रखो। कंपनी में जाके उस वीडियो को जैसे ही रिप्रेजेंट करोगे, अगर वो वीडियो अट्रैक्टिव होगा तो सामने वाले का दिमाग खींचेगा और वो तुरंत ही आपको हायर करने के बारे में सोचेगा। क्यों? क्योंकि BIM एक ऐसी इंडस्ट्री है जो केवल कंक्रीट पे काम नहीं करती, वो स्टील पे भी काम करती है, वुड स्ट्रक्चर पे काम करती है, ढेर सारे लकड़ियों के स्ट्रक्चर तैयार करती है। तो ये पूरा का पूरा पैकेज है। अगर मैं बात करूँ इसमें सैलरी ग्रोथ की, तो दोस्तों ये सैलरी ग्रोथ इसे मिनिमम मैं बता सकता हूँ 15,000 से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मैक्सिमम की बात करूं तो उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है आप इजीली 10 से 15 लाख रुपए के पैकेज पे जा सकते हो। लेकिन उसके साथ ही साथ BIM से रिलेटेड आप वास्तु के बारे में जान लो। वास्तु के बारे में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपका घर अगर वास्तु के थ्रू है तो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप उनको टेक्निकली बता सकते हो कि इस घर में ये सारी चीज़ें की हमने फैसिलिटी दी है। आप गए हो जॉब के लिए, इंटरव्यू में गए हो, उनको बता सकते हो कि सर या मैम हमने जो ये पोर्टफोलियो तैयार किया है ये वास्तु बेसिस पे तैयार किया है, इस पे जो सारी चीज़ें हैं ये सिस्टमेटिक तैयार की गई हुई हैं। तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि यार इस बंदे ने काफ़ी डीप में जाके चीज़ों को स्टडी किया है, तब जाके इस तरीके के पोर्टफोलियोज तैयार किया है। पोर्टफोलियो के साथ दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, जब आप जाइए तो रिज्यूम का प्रॉपर फॉर्मेट आप देखिए। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए रिज्यूमे का, साथ ही साथ हमें पोर्टफोलियो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे बनाना चाहिए कि वैसा पोर्टफोलियो दूसरे लोगों के पास ना हो। आप 10 दिन ले लो, 10 दिन लेने के बाद इतना अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करो कि आप जैसा पोर्टफोलियो किसी के पास ना हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप 10 लोग गए हो इंटरव्यू के लिए, 8 लोगों के पास पोर्टफोलियो हो, 8 में से आपको एक बनना है, तो एक बनने के लिए आपका बेहतरीन पोर्टफोलियो वीडियो फॉर्मेट में लेके जाओ। मैं पक्का वादा करता हूँ आपसे, अभी वीडियो फॉर्मेट में बहुत कम लोग लेके आ रहे हैं, तो आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं सिलेक्शन के लिए। ये सारी चीज़ें अगर आप ट्राई करते हो तो आपका करियर BIM में बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसमें कि मैंने देखा है कि लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें इनकम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका करियर सेटल हो रहा है। स्ट्रक्चर एक अलग, आप बोलते ना स्ट्रक्चर इंजीनियर एक अलग प्रोफाइल है, BIM इंजीनियर की एक अलग प्रोफाइल है जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉट ओनली इन इंडिया, दुबई, US, हर एक कंट्री में, इतना ज़्यादा कैनेडा में यूज हो रहा है कि आपका करियर ब्राइट ही ब्राइट रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा BIM के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो नीचे कमेंट करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सी प्रोफाइल में आप इस समय हैं,
इस समय आप कौन सी प्रोफाइल में हैं और आप कौन सी प्रोफाइल में जाना चाहते हो। मुझे कमेंट में सिर्फ आपका इतना ही कमेंट चाहिए कि आप कौन सी प्रोफाइल में अभी करेंट में हो, आपका फ्यूचर आप किस प्रोफाइल में बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो स्ट्रक्चर में, वो आर्किटेक्चर में, बीम में, या एस्टिमेशन में, या सर्वे में, या कोई और फील्ड में आप बनाना चाहते हो, वो नीचे हमें कमेंट करके बताओ। और आपको लगता है कि मुझे इस प्रोफाइल में जाना है बट मुझे पता नहीं कि इस प्रोफाइल में जाते कैसे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करो और उसमें हमसे आप क्वेश्चन पूछो कि सर ऐसा ऐसा है, तो मैं उसी पर आपसे आंसर करूँगा। और साथ ही साथ आपका ही नहीं, उसमें जितने लोग जुड़ेंगे सबका फ़ायदा होने वाला है। तो कई लोग हमारे नए नए करियर के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपने यहां तक देखा है तो आपको बिल्कुल मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक बार लाइक करो यार। और मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप शेयर बटन पर क्लिक करो और क्लिक करके व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक स्टेटस लगा दो हमारे नाम का, हमारे चैनल का एक स्टेटस लगा लो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।